नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फरा, जो यूपी की बहुत ही फेमस डिश है और ये बिना तेल के बनती है, तो कभी भी आप नाश्ते में बना के इसे खा सकते हैं। और ये देखिए, मैंने चने की दाल ली है और इस दाल को 2 कटोरी के करीब, दाल थी छोटी कटोरी से, और मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा है। और आप चाहें तो 8 घंटे पहले भी भिगोएंगे तो फूल जाएगी। और ये मैंने 1 चम्मच नमक लिया है स्वादानुसार, यहाँ पे मैंने आधी चम्मच हल्दी और 1 चुटकी हींग ले लिया है। 12 से 15 कलियाँ लहसुन की छिलके रखी हुई हैं, इसमें लहसुन ज़्यादा पड़ता है। और ये मैंने हरी मिर्च ली है, आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है। और ये मैंने आटा लिया है, और आटे को हम जैसे रोटी का डो बनाते हैं उसी तरह से आटा बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आटे में नमक डाल लेते हैं। यहाँ पे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, और आटा भी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे का एक अच्छा सा डो बना लूँगी। यहाँ देखिए, हमने डो बना के रख लिया है, और आटा ना ज़्यादा सख्त है, ज़्यादा ना नरम, और रोटी की तरह हम डो बनाया है, जैसे रोटी के आटे का डो बनता है। और अब मैं मिक्सर जार लूँगी और दाल को इसमें डाल लूँगी सारा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने सारी दाल इसमें डाल ली है। अब इसमें जो भी हमने मसाले रखे हैं वो सब ऐड करेंगे। मैंने मसाले बहुत कम लिए हैं, यहाँ पे मैंने नमक डाल लिया। अब मैंने हींग डाल ली। अब यहाँ पे मैं हल्दी डाल लूँगी, और हरी मिर्च डाल लिया मैंने, और लहसुन डाल लूँगी। इसको बहुत बारीक नहीं करना है, इसको दरदरा ही पीसना है, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, चम्मच से हिला के इसको पीस लेना है धीरे धीरे। देखिए, यहाँ पे मैंने दाल पीस ली है, और धनिया भी इसमें मिक्स करना है, तो मैं ये धनिया में ही दाल को निकाल दूँगी, धनिया पत्ते में ही, और इसको निकाल के मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी धनिया के साथ। अब देखिए, यहाँ पे मैंने दाल मिक्स कर ली, और अब मैं पूड़ी के आकार का बेल लूँगी इसको। नींबू के साइज़ का मैंने लोई ले लिया है। अब मैं इसके पूड़ी के आकार का बेल लूँगी। ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही रहेगा। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बना लिया है ये पूड़ी, थोड़ी सी मोटी। और मैं अब 1 चम्मच इसमें फिलिंग डालूँगी, और इसको अच्छे से चारों तरफ से दबा के कवर कर दूँगी फिलिंग को। और देखिए, यहाँ पे मैंने बना लिया है। इसी प्रोसेस से मैं आगे भी सारे फरे बना लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूड़ी बना ली है फरे के लिए, और इसमें मैं फिलिंग भरूँगी, दबा के इसको अच्छे से दबा लेंगे, ताकि जब हम इसको पानी में, बॉयल पानी में डालें तो ये फटे ना। अच्छे से दबा देती हूँ मैं इसको चारों तरफ से। इसी प्रोसेस से मैं सारे फरे बना लूँगी। एक एक फरे बना के दिखाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मेरे सारे फरे बन के तैयार हैं, और उतने दाल में मेरे पूरे 1 प्लेट के करीब फरे बन गए हैं। और मैंने पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और अब यहाँ पे पानी गर्म भी हो चुका है, तो मैं इसमें डाल लूँगी 1/2 चम्मच के करीब नमक, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी इसमें। देखिए, मैंने 1/2 चम्मच के करीब ही तेल डाला है, आप चाहें तो तेल नहीं भी डालें, पर तेल डालने से फरे आपस में चपकते नहीं हैं और अच्छे बनते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को मिला लिया, और इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि पानी बिल्कुल गर्म होना चाहिए जब हम फरे को डालते हैं। और देखिए, यहाँ पे मैं फरे डाल रही हूँ एक एक करके, और पानी इतना ज़्यादा हो कि फरे उसमें डूब जाएँ। अब मैं सारे फरे डाल दूंगी यहाँ पे। देखिए, पानी उबलने लगा है, और गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर रखा हुआ है, और इसको 12 से 15 मिनट का टाइम लगता है फरे को होने में, और फरे होने के बाद खुद ब खुद ही पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। और यहाँ पे देखिए, फरे पानी के ऊपर आ गए हैं, और इनका कलर भी चेंज हो गया है। बीच में हम हिला लिया करेंगे थोड़ा बहुत। अब फरे हो चुके हैं तो मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए, कितने अच्छे से हुए हैं, कलर देखिए, इनका कलर भी चेंज है। अब मैं गैस को बंद कर लूँगी।
और सारे फरे को मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने फरों को निकाल लिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के गार्निश कर लिया है और कुछ फरे मैंने काट के भी रखे हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही कम तेल में बनता है ये, तेल नहीं डालेंगे तभी भी बहुत ही अच्छा और टेस्टी हेल्दी नाश्ता है। और चाहें तो आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं और ऐसे भी किसी भी चटनी के साथ ये अच्छे लगते हैं, आप खा सकते हैं। और अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। बाय बाय दोस्तों।